तो आज इस YouTube चैनल डीमिस्टिफाई फिर हम लोग समझेंगे ऑफ वॉल्स। दिस इज़ एन एचिंग मेड फ्रॉम जिंक प्लेट एंड प्रिंटेड ऑन पेपर मेड बाय अनुपम सूद ऑफ इन 1982। सो ये एक ग्राफिक प्रिंट है, एक एचिंग है जो कि एक जिंक प्लेट पर बनाई गई थी और फिर उसको एक पेपर के ऊपर प्रिंट किया गया था। इसके आर्टिस्ट है अनुपम सूद एंड यह है टाइम पीरियड है 1982। शी हैड स्टडीड प्रिंट मेकिंग एट द स्लेट स्कूल ऑफ फाइन आर्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन इन द अर्ली 1970s। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है उनके बारे में कि उन्होंने स्लेट स्कूल ऑफ फाइन आर्ट लंदन में इसे अपनी एजुकेशन पूरी करी फाइन आर्ट की। व्हेन शी रिटर्न टू इंडिया शी वॉज ड्रॉन टू इट्स एवरीडे रियलिटी। अपार्ट फ्रॉम हर डीप इंटरेस्ट इन सोशल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाई पीपल बिलोंगिंग टू मार्जिनलाइज कम्युनिटीज ऑफ द सोसाइटी शी वॉज कीन टू अंडरस्टैंड देम आर्टिस्टिकली। सो ये हम देखते हैं कि इस टाइम पीरियड की सभी स्कल्पचर्स एंड ऑलमोस्ट ऑल दी स्कल्पचर्स एंड ग्राफिक प्रिंट्स एंड पेंटिंग्स जो है वो कोई ना कोई सोशल रियलिटी को फेस कर रहा है, किसी ना किसी सोशल प्रॉब्लम को हाईलाइट कर रहा है। उसी तरीके से अनुपम सूद ने भी एक सोशल प्रॉब्लम को हाईलाइट करने की कोशिश करी है और वो चाहती थी कि वो इन सभी प्रॉब्लम्स को और ख़ास करके वो उन लोगों की प्रॉब्लम्स को जो कि मार्जिनलाइज थे, जिनको थोड़ा सा सोसाइटी से थोड़ा डिफरेंट या थोड़ा सा अलग बिहेवियर मिलता था, उनको आर्टिस्टिकली डिपिक्ट करें। नोटिस हाउ शी क्रिएट्स एन इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ अ वुमेन बाय हॉलोइंग आउट द फेस। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वुमेन का जो फेस है पूरी तरीके से हॉलो है। ओके, इसमें हमें कोई एक्सप्रेशन नहीं है और ये एब्सेंस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन एक सिंबल है उसकी सैडनेस का, उसकी लोनलीनेस का। तो ये बहुत ही आर्टिस्टिकली और बहुत ही सिम्बॉलिकली उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर रखा है। द एब्सेंस ऑफ फेस गिव्स इट अ ब्रूडिंग एंड सैड एक्सप्रेशन। द पेंटिंग डिपिक्स द फिगर ऑफ अ लोनली वुमन सीटेड ऑन द पेवमेंट बिफोर अ डायलपिडेटेड वॉल। तो ये पीछे की वॉल देख सकते हैं हम कि कितने बेहतरीन तरीके से उन्हें उन्होंने एचिंग की थ्रू ग्राफिक प्रिंट उन्होंने ये एचिंग के थ्रू कितने ब्यूटिफुली उन्होंने वॉल को डिपिक्ट किया। और वॉल पे हम ब्रिक्स जैसा एक स्ट्रक्चर तो मेकआउट कर पा रहे हैं, उसी के साथ साथ ऐसा भी देख पा रहे हैं कि वॉल पे कुछ बना हुआ है, कुछ वर्ली आर्ट या कुछ स्टिक फिगर्स जैसा, कुछ ट्रेडिशनल आर्ट जैसा ड्रॉ किया हुआ है पीछे। द पेंटिंग फोरग्राउंड वी ओनली गेट अ ग्लिम्स ऑफ अ डायरेक्ट ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ अ पुअर मैन स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड कंट्रास्टिंग विद द क्लोथ्ड वुमेन एंड एड्स टू द सैडनेस ऑफ द प्रिंट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किसी आदमी के पैर है जिसने नीचे हमें उसके ऊपर कोई पैर है जो है वो ढके हुए नहीं है, कपड़ा नहीं पहना हुआ है। तो ये या तो सोया हुआ है या मरा हुआ है या ऐसे कुछ वो इस पेंटिंग इस प्रिंट के थ्रू डिपिक्ट करना चाह रही हैं। मैंने ऑफ वॉल्स को अभी तक एनसीईआरटी के थ्रू ही स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में करा है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसका प्रॉपर आंसर स्ट्रक्चर लिखना आना चाहिए थोड़ी, और इन्फॉर्मेशन हमें इसके लिए ऐड करने की ज़रूरत है, कुछ फ्रेजेस हमें ऐड करने की ज़रूरत है। उसके लिए मैं उस वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊँगी। आप उस नोट्स वाले वीडियो के ऊपर जाइए और देखिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर हमारा आंसर स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए अगर ये स्टडी आ जाती है तो।